दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगा और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने साधु से पूछे थे। ये सवाल आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने एक गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में बिछड़ जाते हैं? तभी गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 25 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूं। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है, और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और ये लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूँ। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर सोच समझ कर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है, और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है, बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन 95% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग और की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों के नियंत्रण में है।
फिर गुरु कहते हैं कि चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है। आसान शब्दों में कहें तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दें वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहां जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हुबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है, का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखें तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर
लगा देता है, इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी है जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहां जाना है, और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह होता है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसी ही फसल हमें देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफल का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौट आ रही है या बबूल। ये तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देती है। उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटाता है। तभी व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब देते हुए कहा कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे मुफ्त में पाते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीजें उसे मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी। ये सभी अनमोल चीजें भी हमें मुफ्त में ही मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं, असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती है, और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी ला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं उनकी कोई तुलना नहीं है, और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ।
फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए काम करो, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मनोबल के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मानो तो तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? तभी फिर गुरु ने कहा, बिल्कुल ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल है। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई है और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में भी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने से इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें हरा भी सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी फुर्ती और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। चलो महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहला, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डटकर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। दो बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी ना किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने की चाहत, या हो सकता है तुम एक सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करने का सपना हो। तुम उस कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूले। जब भी तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो। और क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है।
यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मानने लगोगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है, और यही कारण है कि ये 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम उन 5% लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम इसे दोगे। 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज्यादा काम करो जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। ये सब ये ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस क्षण हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी क्षण हम एक कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से सिर्फ उन 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे, और इसे उसे एक शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने हैं और आएंगे, उसका समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। तुम ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पा लोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। यह शब्द जितने सरल है उतने ही चमत्कारी भी है। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले कभी ना किया हो। इसके बाद जीवन का जो पहलू तुम्हारे सामने होगा उस पर तुम्हें खुद आश्चर्य होगा। इन नियम को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।